हेलो फ्रेंड्स, ये है मेरी पल्सर N160 बाइक। तो थंबनेल में जैसे आपने देख ही लिया होगा कि सर्विस रिमाइंडर लाइट कैसे ऑफ करनी है, सर्विस होने के बाद भी चलती रहती है जो। तो ये M बटन है, M फॉर मोड, इसको बटन को प्रेस करके रखना है। और ये S बटन है, इसका बाद में यूज़ होता है, इसको प्रेस करके रखिए कुछ देर और फिर अपनी चाबी की बाइक को ऑन करना है। देखिए, हमने चाबी की बाइक को ऑन कर लिया है। अभी इसकी कुछ देर प्रेस रहने के बाद भी इसकी लाइट अभी ब्लिंक करने लगेगी। वीडियो में बने रहें और देखिए वीडियो को बिना स्किप करे हुए। ये देखिए, आप देख सकते हैं कि सर्विस की लाइट अब ब्लिंक करने लगी है। अभी देखिएगा, ये अभी एस बटन दबा करके प्रेस करके रखना है कुछ देर, जिससे कि आपकी लाइट जो है अभी बंद हो जाएगी। एस बटन को कम से कम 10 सेकेंड या 15 सेकेंड आपको वेट करना होगा। वेट करने के बाद अभी लाइट ये फिर से ब्लिंक करने लगेगी, ब्लिंक करने के बाद ऑफ हो जाएगी। देखिए, अब देखिए कि सर्विस की लाइट ऑफ हो गई है। अब मेरी बाइक 9000 कुछ के बाद ये चलेगी, सर्विस होगी। तो जिससे कि ये फ़ायदा रहता है कि आप सर्विस कराने के बाद भी लाइट जलती रहती है और वो बंद नहीं होती है। देखिए, मैं चाबी ऑन ऑफ करके दोबारा ऑन करके देखो दिखाई दे रहा हूँ कि देखिए आपकी ऑफ हो गई है सर्विस रिमाइंडर लाइट। अब ये नेक्स्ट सर्विस आने पे ही आपकी लाइट ये जलेगी। ये है, देखिए, अब सर्विस रिमाइंडर ऑफ लाइट पूरी तरीके से हो गई है। अब ये दोबारा वापस सर्विस नेक्स्ट सर्विस पे ही जलेगी। तो वीडियो में इसी तरीके से सर्विस रिमाइंडर लाइट को आप ऑफ कर सकते हैं। थैंक यू फॉर माय वीडियो। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको और कोई वीडियो चाहिए